पहुंची गली में। और ये नईम खान दो खड़े थे, ये कम से कम तीन बार मेरे साथ हुआ है। शरद पवार ऐसा इधर उधर देखते थे और नईम खान को ऐसा हाथ करते थे और बाजू में खड़े करते। इतनी इज्जत शरद पवार जी के दिल में इनके लिए थी। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरा पुराना दोस्त मेरे साथ उठा हुआ था, दूर चला गया था, लेकिन सुबह को भूला रात को जब घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। नईम खान जी पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, कितना फायदेमंद साबित होगा आपके लिए? नहीं, ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं, वो तो नवंबर 23 तारीख को मालूम हो जाएगा क्या कितनी गहरी दोस्ती। सर आपने कहा कि माताजी के एक साल हाथों से आपने खाना खाया, आप दोनों साथ में बैठ के कितना मैंने खाया जी, तो कितना वो कितना गहरा रिश्ता था आपका, किस तरीके से? बहुत गहरा रिश्ता था, दोस्ती का एकदम संबंध था, बिल्कुल भाई जैसे थे, बड़े छोटे भाइयों की तरह। मैं हमारे घर पे खाना खाते, मेरा फार्म हाउस था, वहाँ आते थे, बिंदास रहते थे, सब कुछ करते। लेकिन कुछ अब राजनीति में तो आप जानते हैं कब किसके साथ जोड़ जाओ, किसके साथ अलग हो जाओ। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने जो अपना प्यार बरसाया और इन्होंने जो मोहब्बत जाहिर की है, तो आज मैं इनके घर में खड़ा हूँ और एक पुराने दोस्त के हिसाब से आज ये हमारे संबंध वापस पुराने हो। अवर जी, जिस तरीके से नईम खान वरिष्ठ नेता है, तो क्या चुनाव में इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका आप देंगे इनको? देखो, उन्होंने 8 दिन पहले ही तो कहा था कि यहाँ से सेक्युलर उम्मीदवार ही जीतेगा और यहाँ पे बीजेपी के दोस्त लोगों का काम नहीं है, क्योंकि आवाम का जो रुख दिख रहा है, जैसे जसबीर ने भी बोला कि आवाम का जो रुख दिख रहा है उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, आखिर में आवाम ही करने वाली जो कुछ करने वाली है। नईम भाई का वही है कि आवाम को हम नहीं बोल सकते ना, आवाम हमको बोल सकती है तुम मर जाओ इधर से। तो ये प्रेशर मुमरा में अब बनने लगा है, आवाम बाहर आके अपनी भूमिका निभा रही है। और जसबीर की बात की आपने, तो जसबीर पे जो इल्ज़ाम लगे थे सदन में, जो बात उठी थी दाऊद इब्राहिम का आदमी दाऊद, आज उनको वही बात बोलकर तंज किया जा रहा है, क्या जवाब देंगे? तंज कौन कर रहा है? सब लोग उनको जरा पूछो ना उनके किसके साथ संबंध है।